तो चलिए आज बनाते हैं कुछ नई रेसिपी। तो हर बार दिवाली पे आप शक्करपारे, नीमकी, मठरी या फिर चिवड़ा खाकर बोर हो गए हो तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप है यहाँ पर ये पीनट्स। पीनट्स को सेकने के बाद उसके छिलके अलग कर लिए है। उसके साथ साथ हम 1/4 कप लेंगे ये कुटाने चले, जिसे दालिया भी बोला जाता है। इन दोनों को आपको दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए इस तरह से कोर्स पाउडर होना चाहिए, मीन्स दाने बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। उसके अलावा एक बोल ले ले और उसमें हम डाल देते हैं 1 कप चावल का आटा, राइस फ्लार, 1/4 कप है ये मैदा, और उसके साथ साथ मैंने बारीक वाली सूजी ली है, ये है 1/8 कप, और 10 से 12 जो कड़ी पत्ते होते हैं उसे मैंने फाइनली चॉप्ड करके लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून तिल सेसमे सीड्स, और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पर रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून है ये हींग। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। उसके बाद हमने जो पीनट का पाउडर बना के रखा था वो डाल देते हैं। एक बार इन सभी सूखी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने मिर्ची ली है रेड वाली, उसका कलर काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी मिर्ची का कलर अच्छा नहीं है तो यहाँ पर आप 1/2 टीस्पून काश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब गरम ऑयल डाला है, ये है 1.5 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पे पीनट ऑयल यूज़ किया है। ऑयल को आपको गरम करके ही डालना है क्योंकि यह ऑयल जो है काफ़ी गरम है। तो हम पहले स्पून से इसे मिक्स कर लेंगे, फिर हाथों से इसे आपको मिक्स कर लेना है। तो तेल को बहुत अच्छे से आपको सभी चीज़ों के अंदर मिक्स कर लेना। तेल जब आप अच्छे से मिक्स कर लोगे तो देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह होगा, और जब आप इसे बाइंड करेंगे तो ये बहुत अच्छे से बाइंड होगा। उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसका सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो आप जितना आटे को मतलब बैलेंस कर सकते हो उसके हिसाब से आपको आटा लगा लेना है। चिपचिपा आटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए आटा लग के रेडी है। तो अब चलिए इसे बेल भी लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक प्लास्टिक या फिर आप ले ले एक बटर पेपर। इसे आप डायरेक्ट चकले पे नहीं बेल सकते हैं क्योंकि ये चिपकेगी, इसलिए यहाँ पे आपको प्लास्टिक यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटा सा एक पेड़ा बना के इसके ऊपर रखेंगे और प्लास्टिक को ऊपर आपको इस तरह रख लेना है। पहले आप हल्के हाथ से हाथों से ही प्रेस कर ले, उसके बाद आप एकदम हल्के हाथ से इसे जो है बेल ले। बहुत ज़्यादा जोर लगाना नहीं है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। और इसे आपको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ना ही पतला रखना है। इसे आपको उतना ही पतला रखना है जैसे हम वो पापड़ी चाट खाते हैं ना, तो उसमें जो पापड़ी होती है उतनी पतली, तो बस इतनी पतली ही आप रखिएगा। और ये बहुत ही ईजिली बेल जाती है। एक बार आप ऑयल लगाएंगे प्लास्टिक पर तो एवरी टाइम आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 7 से 8 इस तरह से बेल ले, उसके बाद थोड़ा सा और ऑयल लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इसे कितना पतला रखा है। अब इसे फ्राई करने के लिए ना ऑयल जो है मीडियम हॉट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा भी ऑयल नहीं चलेगा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म रहा तो जैसे ही आप डालोगे तो ये एकदम ब्राउन हो जाएगी और अंदर से सॉफ्ट रहेगी। गैस का फ्लेम मैंने स्लो टू मीडियम के बीच में रखा है और एक बैच को फ्राई होने में आराम से कम 10 मिनट लग सकते हैं। तो एक साथ मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, 4 डाली है क्योंकि मैंने थोड़ी बड़ी भी बनाई है। और जब तक ये अपने आप ऊपर हो नहीं आ जाती फ्राई होके, तब तक आपको इसे टच नहीं करना है। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाती है तो इस तरह ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, तब आप करछी से इसे जो है हल्के हाथ से टर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ऊपर आने लगी है, तो आप हल्के हाथ से इसे टर्न कर लेते हैं। एवरी 3 to 4 मिनट्स में आप इसे जो है टर्न कर ले ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है, काफ़ी अच्छा कलर आ गया। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करें क्योंकि ठंडे होने पे थोड़ी सी ये और डार्क हो जाएगी। तो सेम वे में मैं सेकंड बैच भी यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ। और इसी तरह हम सारे जो ये राइस क्रैकर्स है, जिसे निपट्टू भी कहा जाता है, ये साउथ इंडियन स्नैक्स रेसिपी है और ये काफ़ी फेमस है साउथ इंडिया में। बट इसका टेस्ट ना मुझे काफ़ी यूनिक लगा, मीन्स मठरी से काफ़ी अलग है, काफ़ी क्रिस्पी बनती है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है
और मैं आपको ना एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। एक बार ये रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। मैं मिलती हूँ आपको न्यू रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप ये रेसिपी जो है इन्जॉय करें।